कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। मैं कहीं भी रहूं मैक्सिमम तो चूंकि इस समय भोपाल में रहना पड़ा मुझे कोरोना की स्थिति के कारण, लगभग 325 घंटे 325 महीने में मैंने कोरोना की समीक्षा की है। लगातार आज भी मध्यप्रदेश में देश में 34,946 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं कल तक के, मध्यप्रदेश में 703 मध्यप्रदेश में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज मध्यप्रदेश अभी भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में। कुल मिला के कंपेरेटिव हम लोग बेहतर स्थिति में है, उज्जैन ने इस बार स्थिति बिगड़ी थी लेकिन अब काफी कंट्रोल किया है। उसमें आप सब लोगों का, जनता जनार्दन का, जनप्रतिनिधियों का, कोरोना योद्धाओं का जबरदस्त योगदान है। हमारी थोड़ी सी चिंताएं थी लेकिन मुझे आज थोड़ा समाधान हो रहा है क्योंकि विशेषकर ग्वालियर अंचल में बड़ी तेजी से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे। आज भी ग्वालियर में 162 आए हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण अब आने वाले समय में स्थिति सुधरने की पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले यहां ज्यादा किए सारे तो मुरैना वहां संख्या नियंत्रित हुई है और भिंड में भी अब संख्या नियंत्रित हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे उस स्थिति को हम नियंत्रित करेंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि अनलॉक के कारण बड़ी संख्या में लोग निकले उससे पॉजिटिव केसेस काफी बढ़े और एक तिल कोरोना अभियान के दौरान लगभग 2000 पॉजिटिव केस जो घर घर सर्वे हुआ है उसके कारण निकली है, इसलिए संख्या बढ़ी है। लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। एक विषय और मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता था, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर लूंगा। अभी कल से कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए। हमने तत्काल कार्रवाई की, एसपी, कलेक्टर, आईजी, संबंधित अधिकारी सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ी। जांच घटना की हो रही है, वो जमीन सरकारी है और कोई एक अलग पार्टी ने उस पर कब्जा कर रखा था, हमारे स्कूल बनना था, घटना उसको दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन पूरी घटना की तह में हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमने तो कार्रवाई की, वो जवाब दे 14 जनवरी जब उनकी सरकार थी, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी, घटना को दबाने की कोशिश की थी ने। जब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया तब भी सरकार जगी नहीं। केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के 2 बच्चों को सोच जाने पर निर्ममता पूर्वक पीट पीट कर मार दिया गया था, पीट पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की ठीक है ना तो कमलनाथ को दिखाई दी ना कांग्रेस को दिखाई दी, उस मामले में भी सुनवाई नहीं। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तब भी कमलनाथ सरकार जगी नहीं। अलीराजपुर में पानी मांगने पर अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सरेआम पेशाब पिलाई गई लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय भी नहीं जगी। राजगढ़ जिले में दलित बेटी को रेप का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। खुद उनके जिले छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ, 7 दिन तक उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद क्षत उसकी लाश जंगल में पाई गई लेकिन वहां की बेटी को
बेटी का दर्द कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। किस कानून और व्यवस्था की बात कांग्रेस के विरुद्ध करते हैं? हमने तो कार्रवाई की, धार में किसान की सरेआम मॉब लिंचिंग हुई, सड़क पर पत्थर और लाठियों से कुचल कुचल कर किसानों को मार दिया गया। तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही, हमने तो तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं। लेकिन आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, उनको खुद अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, कोई कोई कोरोना के उज्जैन की स्थिति हो रही है, कोरोना को जब तक अनलॉक नहीं हुआ था तब तक उज्जैन की स्थिति पहले उज्जैन में जो स्थिति बनी थी कि लोग यहाँ पर शुरू हो गई थी कोरोना संक्रमण की वजह से, तो उज्जैन को मानव प्रदेश में लागू किया जाएगा। लेकिन पहले उज्जैन का बेहतर कहा कि उज्जैन ने खराब स्थिति से उज्जैन बहुत अच्छी स्थिति में आया था। अब अकेला उज्जैन का मामला नहीं, क्योंकि अनलॉक इसलिए बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से अगर कोई संक्रमित आता है तो कोरोना कैसे चलता है हम जानते हैं। लेकिन फिर भी उज्जैन सशक्त है और उज्जैन ने बेहतर काम किया है, उस बेहतर काम के जो अनुभव है उसका लाभ जरूर। सर नेपाल नगर विधायक क्या बीजेपी में शामिल हो चुकी है कांग्रेस छोड़? मुझे तो आश्चर्य लगता, कांग्रेस को सोचना चाहिए। आपने बताया क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस आज टूटता हुआ जहाज है, उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी विश्वास नहीं रहा, जनविश्वास खो दिया है। और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो गई, कांग्रेस पर कमजोर बची है। अब अभी तक हमारा उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता क्या होगा। लेकिन सर आएंगे तो क्या आप क्या ये बताएं कि आप पूरे घटनाक्रम में जब कांग्रेस सरकार को खत्म हो रहा था, बीजेपी को बदल रही थी, आपने कई बार कहा कि हमारे ट्रेनिंग में बीजेपी का कोई लेना देना, लेकिन जिन 24 विधायकों ने इस्तीफा दिया वो सभी अब आपके साथ हैं, तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि भाजपा इस बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? कांग्रेस में टूट हुई, कांग्रेस से नाराज होके, और उन्होंने साफ कहा, बहुत पुरानी बात है, ज्योतिरादित्य जी ने साफ कहा, वादे पूरे नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, और जब बात की उनका सड़कों पे आ जाओ। अभी उनका अंदरूनी मामला था, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस अल्पमत में आ गई विधानसभा में, हमने सरकार बना दी, हमारे क्या लेना चाहिए, उनका घर को नहीं संभाल पाए। जब वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके मित्रों से कहते हैं सड़क को करें आप, तो लोग अगर छोड़ के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो सर निमर विधायक का स्वागत करेंगे? मैंने कहा कि आपसे मुझे पता चला है। मुख्यमंत्री जी, ये कोरोना की जो डेथ हो रही है और जो उसके आंकड़े हैं पॉजिटिव नाइन लिस्ट उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है, और मध्यप्रदेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मध्यप्रदेश तरीके की पारदर्शिता रखने में उतना राज्य इतना अव्वल नंबर पर नहीं है। WHO ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है कि इनका ऑडिटिंग हो, क्या आपके स्तर से कोई निर्देश जारी किए गए? मध्यप्रदेश की वो हो, मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर जो काम हुआ है उसकी व्यापक सराहना हुई है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी कि इंदौर ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ से निकल गया, उज्जैन बिल्कुल हाथ से निकल गया। आप कंपेरेटिवली दुनिया देखें, आप देश के बाकी बड़े शहर देखें, स्थिति बिगड़ती रही, लेकिन मध्यप्रदेश में अपनी स्थिति सफल। विकास होने में यहाँ से गिरफ्तारी होगी, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दे को छुट्टी का मुद्दा बताया था, क्या मानते हैं आप उसको? ये लॉक करने से क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। महाकाल मंदिर उससे पवित्रतम स्थान क्या हो सकता है? अब हाँ शुद्धिकरण का ढोंग करेंगे तो जनता हद से क्यों।